आज का हमारा टॉपिक है प्राइमल ड्यूअल रिलेशनशिप। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमल से ड्यूअल कन्वर्जन सीख ली है। हमने ये देख ली है कि अगर एक प्राइमल प्रॉब्लम होता है तो उसका एक ड्यूअल भी होता है। एक अगर प्राइमल वर्जन है तो उसका एक ड्यूअल भी होता है। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि उसका एक इक्विवेलेंट वर्जन है, जैसे होता है ना कि ये बिल्कुल सेम वही है, ये ड्यूअल इक्विवेलेंट वर्जन नहीं होता। इक्विवेलेंट वर्जन सॉरी, मैंने आपको रोका सर। सर आपने वाईवे का टाइम और डेट नहीं बताई। वो आप लोगों ने ईमेल में अपना सूटेबल स्लॉट अपनी बताइए। यस सर, हमने संडे 2 PM का है आपको। वो जो मुझे मिली है, आज मैं डेटा को कंपाइल करूंगा और आपको फाइनल ग्रुप वाइज आपको इन्फॉर्म करूंगा। आज रात तक आपको ईमेल मिल जाएगी जिसमें वो पूरी टाइम स्लॉट जो आपने बताया और जो मैं दूंगा वो कंफर्म होगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इतना ये है कि आपकी तरफ से अगर एक ही स्टूडेंट एक टाइम पे एक घंटे की स्लॉट में 20 आ गए तो 20 का तो नहीं वाइवा लिया जा सकता, थोड़ी सी शक्लिंग देखनी पड़ेगी जी। ओके सर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हर प्राइमल का ड्यूअल वर्जन भी होता है। तो मैंने आपसे ये कह रहा हूँ कि जो प्राइमल प्रॉब्लम है, ड्यूअल उसका इक्विवेलेंट वर्जन नहीं है, टोटली एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। हाँ, वो उसी प्रॉब्लम का ही एक डिफरेंट वर्जन है। यानी अगर आपके पास एक क्वाइन है, अगर वो दो क्वाइन है आपके पास, एक घिसा पिटा क्वाइन है और एक बिल्कुल फ्रेश है, तो जो घिसा पिटा क्वाइन है उसका जो हेड है उसका टेल उसके पीछे होगा, और जो घिसा पिटा क्वाइन है उसका हेड अगर है तो उसका टेल दूसरे क्वाइन का, न्यू क्वाइन का टेल नहीं हो सकता, तो अपना अपना टेल होगा। तो कहने का मकसद है हेड का एक दूसरा वर्जन है जो कि टेल है, और वो उसी हेड का टेल है उसी क्वाइन का। तो इसका मतलब है अगर प्राइमल है तो उसी प्राइमल का वो ड्यूअल होगा, लेकिन वो उसका इक्विवेलेंट वर्जन नहीं होगा, बल्कि उसी क्वाइन का एक सेकेंड बिहेवियर होगा। आई थिंक फॉलो किया होगा इस पॉइंट को आपने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी, बताइएगा सर, दोबारा बताइएगा। अच्छा, दोबारा बताइए। मैंने कहा अगर एक प्राइमल प्रॉब्लम आपके पास है, आपने उसको ड्यूअल में कन्वर्ट किया है, तो दो प्रॉब्लम आपके सामने है ना, एक ये प्राइमल है और ये उसका ड्यूअल है। अक्सर मैथमेटिक्स में हम कह रहे होते हैं एक एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म निकालते हैं तो हम कहते हैं ये फॉर्म उसकी इक्विवेलेंट है, लेकिन ड्यूअल के केस में ऐसे नहीं है। उस प्राइमल से जो आपने फॉर्म निकाली वो उसी की ही फॉर्म है, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है, एक सेकेंड फॉर्म है और एक बिल्कुल एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, लेकिन उसी प्राइमल का ही वर्जन है। तो ये ड्यूअल जो होता है ये इक्विवेलेंट वर्जन नहीं है। जैसे हेड है, हेड और टेल दोनों की एग्जिस्टेंस है और इक्वल है, यानी ये नहीं कह सकता ये हेड है तो इसका ये टेल इक्विवेलेंट है, टेल टेल है, हेड है, ये कभी भी इक्विवेलेंट नहीं है, एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड। तो कहने का मकसद है प्राइमल का जो ड्यूअल वर्जन होता है वो इक्विवेलेंट वर्जन नहीं, बल्कि उसी प्रॉब्लम की एक और कुछ सेकंड बिहेवियर है। जैसे डे है तो उसका दूसरा वर्जन नाइट है, तो डे और नाइट इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। फॉलो किया पॉइंट? यस सर। अक्सर हम मैथमेटिक्स में इसलिए बताना जरूरी समझा, ये दूसरे सेक्शन में ये बात मैंने नहीं की, आपको इसलिए बताना जरूरी समझते कैसी माइंड में क्लिक आई कि जब हम मैथमेटिक्स में एक चीज से दूसरी फॉर्म लेते हैं तो उसकी वो इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, यानी दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं, ये कहने की जरूरत, लेकिन है उसी की फॉर्म लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म है जी। आज हम प्राइमल ड्यूअल रिलेशनशिप, दोनों में बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है, प्राइमल में भी और ड्यूअल में भी। तो आपने देखा होगा प्राइमल को हमने उसके वेरिएबल्स को एक्स सीरीज लिया है और ड्यूअल के वेरिएबल्स को हमने वाई सीरीज कह दिया। तो दोनों में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप से बहुत एडवांटेज मिलती है लीनियर प्रोग्रामर्स में। वो क्या एडवांटेजेस है वो हम आज पहली प्रॉपर्टी या पहला थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं,
वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस प्रॉपर्टी आज देखनी है, ये प्राइमल और ड्यूअल में एक खास रिलेशनशिप है जिससे ये प्रॉपर्टी आपको बताएगी इनमें क्या रिलेशनशिप। जरा प्रॉपर्टी को देखिएगा, ये एक्स कैपिटल एक्स, ये वाई कैपिटल वाई, ये जो एक्स है ये वेक्टर फॉर्म में है। समझ लीजिए अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो इस एक्स एक्स वेक्टर उसका सेट नेम है वेक्टर फॉर्म में, तो उसके मेंबर्स क्या हैं, वो दो वेरिएबल्स, तो एक्स जनरल नेम है और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम देखा जाएगा कि इस वक्त प्रॉब्लम में अगर टू वेरिएबल है तो जो एक्स वेक्टर है उसके दो मेंबर्स होंगे एक्स वन और एक्स टू। और अगर आपके पास प्रॉब्लम कोई फोर वेरिएबल का है तो उस प्रॉब्लम के लिए कैपिटल एक्स क्या होगा बताइए जी। सर उसके लिए कैपिटल एक्स तो वही होगा लेकिन उसके में फोर वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स वेक्टर के अंदर, उस वेक्टर के जो एलिमेंट्स होंगे वो फोर होंगे। तो कहने का मतलब है वह आपके प्राइमल वेरिएबल्स टू हो तो एक्स वेक्टर के दो एलिमेंट्स, आपका प्रॉब्लम फोर वेरिएबल है तो एक्स वेक्टर में फोर एलिमेंट्स, आपका वेक्टर 100 वेरिएबल्स का है तो एक्स में 100 एलिमेंट, एक्स आपका एक वेक्टर फॉर्म में। तो आप कह सकते हो ये जो एक्स है ये प्राइमल डिसीजन वेरिएबल्स है। क्लियर पॉइंट? यस सर। दूसरा जो डुअल वेरिएबल्स है वो वाई वेक्टर से उसको मेंशन किया गया, तो डुअल के जितने भी वेरिएबल्स होंगे तो इस कैपिटल वाई वेक्टर के एलिमेंट्स होंगे। अब आपका एक प्रॉब्लम होता है प्राइमल, तो प्राइमल डिसीजन वेरिएबल्स को मैंने कह दिया एक्स, डुअल उसका आप कन्वर्ट करके लेते हो, उसके वेरिएबल्स को मैंने कह दिया ये वाई वेक्टर, और ये जो वी और यू है तो आपने देखा होगा रेडीमिक्स प्रॉब्लम में आपके प्राइमल डिसीजन वेरिएबल्स थे टू एक्स वन एक्स टू, इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर पेंट, स्लैक वेरिएबल्स कितने थे रेडीमिक्स के बताएगा कोई? रेडीमिक्स प्रॉब्लम में स्लैक वेरिएबल्स कितने थे? थ्री थे शायद, फोर का स्टेट्स, लेस देन इक्वल टू टाइप थी, फोर स्लैक वेरिएबल्स थे और उनके नाम थे एस वन एस टू एस थ्री एस फोर। याद आया कुछ? जी सर। यस सर। ये जो यू है यू, तो ये समझ लीजिए वो वेक्टर है जो के प्राइमल प्रॉब्लम के स्लैक वेरिएबल्स है। तो अब हम एस वन एस टू एस थ्री नहीं लेंगे बल्कि प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स को यू वन स्मॉल यू वन यू टू यू थ्री यू फोर। तो रेडीमिक्स में आपका ये जो यू है ये प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स, और ये जो वी है तो जाहिर है आपने डुअल भी लिया हुआ है तो डुअल में भी कंस्ट्रेंट्स होंगी, तो डुअल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो उसके भी स्लैक वेरिएबल्स होंगे, तो वी आपका डुअल के स्लैक वेरिएबल्स। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, तो जब मैंने प्राइमल रेडीमिक्स के प्राइमल को कन्वर्ट किया था डुअल में कितनी कंस्ट्रेंट्स बनी? सर तीन बनी थी, टू। आपकी दो वेरिएबल थे, जितने वेरिएबल प्राइमल के होते हैं उतनी कंस्ट्रेंट्स डुअल में होती है, दो कंस्ट्रेंट्स थी। जब उसको दो कंस्ट्रेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे कितने स्लैक वेरिएबल्स चाहिए होंगे? सर टू। टू कंस्ट्रेंट दो है तो दो को बैलेंस करने है ना, इक्वल करने है टू, तो उन वेरिएबल्स को जो डुअल के हैं उन स्लैक वेरिएबल्स का डिफरेंट वेरिएबल लेंगे उसको कहेंगे V1, V2। तो आप कह सकते हो रेडीमिक्स में ये जो X है X1, X2 है, ये जो Y है फोर वेरिएबल्स हैं Y1, Y2, Y3, Y4, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी ये, और ये प्राइमल स्लैक है U1, U2, U3, U4, और ये डुअल स्लैक है V1, V2। तो आपने देखा यहां जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है वो उलट हो रही है। प्राइमल डिसीजन जरा देखिएगा, एक्स प्राइमल डिसीजन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है?
डुअल स्लैक स्लैक वेरिएबल्स के साथ, यस डुअल स्लैक के, यानी दूसरे प्रॉब्लम के स्लैक के साथ, और डुअल डिसीजन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? प्राइमल के प्राइमल स्लैक। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहती है अगर इस वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी प्राइमल डिसीजन को डुअल स्लैक के साथ मल्टीप्लाई करें और डुअल डिसीजन को प्राइमल स्लैक के साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। आज हमने इसको देखना है ये कैसे वर्क करेंगे। पॉइंट क्लियर है? बताइएगा। यस सर जी। अब हम एग्जांपल अपनी वही फेमस लेते हैं, रेडीमिक्स। इसको डुअल में कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया गया है, लेकिन सबसे पहले हमने इसके स्लैक वेरिएबल्स देखनी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। फोर कंस्ट्रेंट्स हैं, लेस देन इक्वल टू प्लस यू वन यू टू यू थ्री यू फोर, ये प्राइमल के स्लैक। इसका डुअल लेते हैं, इधर डुअल कन्वर्ट आपको करना आ गया है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। इसको स्टैंडर्ड में लेके आते हैं और ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हैं तो माइनस वी वन माइनस वी टू करके बैलेंस करेंगे, तो आपके ये प्राइमल डिसीजन और इधर डुअल स्लैक ये मिल रहे हैं आपको, तो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करें और डुअल डिसीजन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इनके साथ, और फिर ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए जीरो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन करने लगे, ये मैंने बता दिया, डिसीजन प्राइमल डिसीजन प्राइमल स्लैग, डुअल डिसीजन डुअल स्लैग। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन जो वेक्टर फॉर्म में होती है, इस वक्त तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वी कैपिटल वाई कैपिटल यू है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल एक्स में कितने एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इस प्रॉब्लम में कैपिटल एक्स में। सर टू है सर, एक्स वन और एक्स टू। एक्स वन और एक्स टू। वी कितने हैं, वी के एलिमेंट? ये जब वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखें डुअल प्राइमल स्लैक प्राइमल डिसीजन और डुअल स्लैक का नंबर सेम है, और नजर भी आ रहा है ये दो वेरिएबल होंगे तो प्राइमल में डुअल में कितनी कंस्ट्रेंट होंगी? टू। तो डुअल स्लैग में टू ही होंगे, तो इनका नंबर और इनका नंबर सेम ही बनता है एलिमेंट का। इसी तरह आप देखते हैं जितने आपके पास प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स होती हैं उतने ही डुअल के वेरिएबल्स होते हैं, तो इट मींस डुअल डिसीजन और प्राइमल स्लैग ये भी नंबर सेम होगा। तो वेक्टर्स के अगर एलिमेंट सेम है तो मल्टीप्लीकेशन आराम से हो सकती है। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। तो ये तो अभी वेक्टर फॉर्म में है, अब मेरे पास ये टू है और ये भी टू है, तो मैं जब उसको एक्सपेंड करूंगा, ये मैंने डिटेल जो अभी आपको बताई है वो वही सेम है कि ये अगर टू है तो ये भी टू होंगे, ये फोर है तो ये भी फोर। स्किप कर देते हैं ये, इसके बारे में बताइए इनके बारे में। अब देखें ये जो वेक्टर फॉर्म में थी ना एक्स, उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आना है। अब ये टू टू है, उनके जिस तरह से ये दोनों रिजल्ट सम हो रहे हैं ये भी एक्स वन वी वन और एक्स टू वी टू भी सम ही होना है, तो समेशन ऑफ दिस और समेशन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास पिक्चर बनेगी, और इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने एक्स वेक्टर को ओपन किया, x1 को v1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x2 v2, ये दो वेरिएबल हो गए, ये फोर वेरिएबल है, तो y1 u1 y2 u2 y3 u3
y4, u3, इनका सम ये मिलके जीरो होने चाहिए जी। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लियर है? यस सर। और अगर ये नंबर वेरिएशंस होती है तो डिफरेंट प्रॉब्लम में अगर डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं ये जीरो कब होगी, इसको देखने तो जी सर एक क्वेश्चन था, ये वेरिएबल एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं? वेरिएबल प्राइमल प्राइमल में हो जाए टू और उधर जाके डुअल के जो स्लैक है वो थ्री हो जाएंगे, वो ऐसा हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है, आपने डुअल कन्वर्जन में देखा होगा जितने ही प्राइमल वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही कंस्ट्रेंट्स बन रही होती है। क्यों? इन दो दो वेरिएबल है तो दो कॉलम्स हैं, तो दो कॉलम हर कॉलम से एक कंस्ट्रेंट निकलती है, तो बताएं ऐसा हो सकता है दो वेरिएबल और कंस्ट्रेंट तीन बन जाए? पॉसिबल है? नो सर। तो ये रीजन है कि जितने वेरिएबल्स हैं उतने कॉलम्स हैं, उन कॉलम से कंस्ट्रेंट निकालेंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल इक्वल्स नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन डुअल। क्लियर है पॉइंट? ओके सर। और इसी तरह सेम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन प्रॉब्लम equals number of variables in dual, same उधर भी है। I think clear हो गया होगा। अच्छा, next point है, ये zero कब होगा? ये zero उस वक्त हो सकता है, आपने देखा ये सबका sum है, ये जो term है, ये term, ये term, ये term, ये सारी term अगर अपने अपने तौर पे zero होंगी, तब zero आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। तो complementary slackness condition पता क्या कह रही है? ये zero होना चाहिए। और ये कब होगा? ये भी जीरो हो, ये टर्म ये भी जीरो, तो सारी टर्म्स आपकी जीरो होनी चाहिए इंडिविजुअली, ये 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 सारी जीरो होंगी तब ये जीरो होगा। तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ये जीरो बता रहा है कि ये हर इंडिविजुअल टर्म जीरो आंसर देना चाहिए। अब इस टर्म का जीरो कब होगा कोई बताएगा? ये मल्टीप्लीकेशन है दो की एक्स और वी की, ये जीरो उस वक्त होगा ये जीरो है या ये जीरो है। तो हम कह सकते हैं अगर ये वेरिएबल बेसिक है एक्स वन, बेसिक मीन नॉन जीरो, तो वी वन क्या होगा? वी वन क्या होना चाहिए? नॉन बेसिक, नॉन बेसिक जीरो, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को वेरीफाई करेगा। इट मीन्स इन सब के लिए हम कह सकते हैं ये अगर बेसिक है तो ये नॉन बेसिक, और अगर ये बेसिक है तो ये नॉन बेसिक, उन दोनों में कोई एक बेसिक होगी और दूसरी नॉन बेसिक, दोनों में कोई भी बेसिक और कोई भी नॉन बेसिक हो सकती है। तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए। ये मैंने इधर दिया एक्स और वी, अगर ये बेसिक है तो ये नॉन बेसिक, ये देखें ये मैंने लिख दिया एक पर्टिकुलर प्राइमल एक्स, अगर ये बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग डुअल वी क्या होगा? नॉन बेसिक। और दूसरा अगर ये बेसिक है, पर्टिकुलर डुअल स्लैक वी बेसिक है, तो ये एक्स जो है करस्पॉन्डिंग डिसीजन नॉन बेसिक। इसी तरह वाई यू को भी कह सकते हैं, अगर डुअल डिसीजन बेसिक है तो प्राइमल स्लैक करस्पॉन्डिंग प्राइमल स्लैक नॉन बेसिक होगा, और अगर डुअल प्राइमल स्लैक बेसिक है तो डुअल डिसीजन नॉन बेसिक होगा। आई थिंक समझ आ गई होगी यहां तक आप। क्लियर है पॉइंट? बोलना तो सही सर। यस सर। अब आगे आते हैं। अब मैं एक में कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन का मुझे पता चल गया और मुझे ये भी पता चल गया ये जीरो रखनी है। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन हमें क्या हेल्प कर रही है, प्राइमल और डुअल में क्या रिलेशनशिप है वो हम देखने लगे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या शो करती है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, रेडीमिक्स, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा रेडीमिक्स का, बताइएगा। यस सर। तो मैं एज्यूम करता हूं
मैंने इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया और आपने देखा होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या निकला था रेडी मिक्स का, और दूसरे स्लैक वेरिएबल्स भी थे S3 और S4, वो हमने उस वक्त नोट नहीं किए थे, और मैंने कहा था एक वक्त आएगा कि उस टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा ये क्या चीजें, तो वो टाइम ग्रेजुअली आना शुरू हो गया। तो हम पूरा सॉल्यूशन लिखते हैं और वो मैंने लिखा हुआ है ये वाला X13 X2 1.5, ये ऑप्टिमल आइट्रेशन से लिया है। S3 यहाँ पे U3 है 2.5, और जो S4 था उसको मैंने इधर U4 लिया 0.5। तो ये 4 आंसर थे जो मिसिंग थे, U1 U2 यानी S1 और S2 उसमें मिसिंग थे, वो 0 थे, और ऑप्टिमल वैल्यू क्या थी ऑब्जेक्टिव की $21,000। तो ये पूरा कंप्लीट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके सामने, कोई इशू तो नहीं है जी? नो सर। कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ले लेते हो, तो आप अगर मैं पूछूं कि डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी y1 y2 y3 y4 की वैल्यूज क्या होंगी, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसको? अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑप्टिमल, ये आपका प्राइमल है, सॉल्व करके मैंने निकाल लिया ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो मुझे डुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, आप कैसे निकाल सकते? ये आपके सामने है, ये डुअल नहीं, ये आपके सामने है डुअल, नहीं, ये आपका डुअल भी तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना सर, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना सिंप्लेक्स मेथड के जरिए। यस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का स्टेट है, और एम टेक्निक से करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और एंड पे क्या निकलेगा, एंड पे y1 y2 y3 y4 की का ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड से लास्ट आइटरेशन में आपको मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं आपको गिवन ये हो, जरा समझिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये गिवन है, सॉल्व करके आपने ये इसका ऑप्टिमल निकाल लिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है डुअल ऑप्टिमल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको डुअल में कन्वर्ट करोगे, इस प्राइमल को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करोगे और फिर आंसर दोगे कि ये है डुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऐसी है ना? यस सर। अब लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, क्योंकि प्राइमल और डुअल में रिलेशनशिप है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से हम बगैर डुअल को सॉल्व किए डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन बता सकते, ये आज का प्रॉब्लम है। तो अभी देखें, मैंने कहा है ये प्रॉब्लम है, और एज्यूम करें कि आपको अगर मैंने सॉल्व, या तो आप सॉल्व करके ऑप्टिमल निकालोगे, या मैंने वैसे ही आपको दे दिया है, यानी गिवन है आपके पास कि ये ऑप्टिमल टू द प्राइमल है, और मैंने निकालना क्या है, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द डुअल, कैसे, बाय अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। इट मींस आपने डुअल को एम टेक्निक से सॉल्व नहीं करना, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के जरिए वो निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन, अगर आपको समझ आ गया तो सॉल्व करते हैं। जाहिर है आपके पास ये है, तो इसका डुअल तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लेनी पड़ेगी इसकी और इसकी, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहती है कि हमने, ये देखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है प्राइमल की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डुअल की, और हमें गिवन क्या है, एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली है प्राइमल को सॉल्व करके, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल का। अगर ये मेरे पास है तो कॉम्प्लीमेंट्री देख ली क्या कहेगी, X1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लीमेंट्री में, बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है, V1 के साथ, V1 के साथ। और एक हमने ये भी लर्न कर लिया है कि अगर ये बेसिक है तो V1 क्या होगा,
नॉन बेसिक सर, मींस बी वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। जीरो, तो देखे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कैसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल रही है बगैर डुअल को एम टेक्निक से सॉल्व किए। देखें वी वन क्या है, जीरो, वी टू क्या होगी? जीरो सर। जीरो। यू थ्री 2.5 है, कौन सा वेरिएबल इधर आएगा? वाई थ्री। वाई थ्री क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? जीरो होगा, नॉन बेसिक। तो देखिए हमें y3 भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि वह जीरो होगा, और ये हमें हेल्प कर रही है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस प्रॉपर्टी। u4 के साथ y4 होना चाहिए और वो क्या होगा, जीरो। जीरो। चार तो मुझे मिल गए हैं, v1 जीरो, v2 जीरो, y3 जीरो और y4 जीरो। ये u1 है, y1 क्या होगी? कोई ना कोई वैल्यू होगी। यानी हमें सिर्फ ये पता चला कि y1 बेसिक होगी, मींस नॉन जीरो। ये नहीं पता अभी कि वो क्या वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है y1 को हमने कैलकुलेट कर लिया, y2 भी नॉन बेसिक होगी मींस नॉन जीरो। तो y1 और y2 सिर्फ रह गई है कैलकुलेट करने के लिए, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। तो कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज मिली है हमें, v1 v2 जीरो और y3 y4 जीरो, ये मिल गई, ये हमारे पास मिल चुकी है हमें। अब देखिए ये वैल्यूज मैं अगर इस मॉडल के अंदर पुट कर दूं तो वहां साइमल्टेनियस इक्वेशंस निकलेंगी आपकी, वो जो लीनियर इक्वेशंस होती है। देखिएगा v1 v2 सबसे पहले तो इधर से निकालनी कौन से जीरोस है, वो ये निकाल लिया, इनको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पुट करना है। v1 जीरो, ये देखिएगा y3 भी जीरो है, ये भी जीरो, तो ये क्या बन गई, 6y1 प्लस y2 इक्वल टू 5। और इधर से क्या निकलेगी, v2 ये जीरो है, y4 ये भी जीरो है, y3 ये भी जीरो है, तो इधर से निकलेगा 4y1 प्लस 2y2 इक्वल टू 4। तो दो हमें ये निकल गए, ये वैल्यूज इधर पुट, कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। अच्छा एक स्टूडेंट का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अच्छा अब मुझे बताएं y1 y2 इनको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। अब आपने क्या करना है, ये टू है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये टू से मल्टीप्लाई किया, 12y1 2y2 10, ये सेम वैसे रहने दी, और सबट्रैक्ट करना है, मींस इनके साइन चेंज किए, तो 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 2 कैंसिल, 10 माइनस 4 6, 8y1 6, और y1 क्या होगा, 6/8, और 6/8 निकलेगा 3/4। तो हमें y1 कैलकुलेट हो गया, y1 को 3/4 को इस फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, देखें y1 मैंने इसमें पुट किया और y2 भी निकल आया 1/2। तो ये सॉल्व करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, हमें y1 भी मिल गया, y2। अब मैं कह सकता हूं ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है प्राइमल का, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से डुअल का ऑप्टिमम क्या निकला, देखिएगा v1 आपने बताना मुझे, v1 equal to zero sir, zero, v2 equal to zero, zero sir, y1 equal to y1 3/4, ये three, ये जो कैलकुलेट किया 3/4, y2 equal to 1/2, y3 और y4 zero है, zero, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये जो हमारे पास अब आया ये है आपका ऑप्टिमम टू द डुअल। समझ आ गई इस प्रॉब्लम की? जी सर। इतना जबरदस्त रिलेशनशिप है प्राइमल और डुअल में कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस प्रॉपर्टी आपको डुअल के ऑप्टिमम सॉल्यूशन को बगैर
डुअल को सिंपलेक्स मैट्रिक से सॉल्व किए, डायरेक्ट आंसर दे दिया और ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, डुअल की ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी, W इक्वल टू, तो जो वैल्यू Z की थी 21, ये भी एक रिलेशन डुअल और प्राइमल में रिलेशनशिप है कि ऑप्टिमम लेवल पे W भी 21 ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आज याद कर लें कि ऑप्टिमम अगर आप सिंप्लेक्स को सॉल्व करें और ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे Z आया आपका 21, और अगर आप डुअल को सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमम लेवल पे W भी 21 ही आएगा। तो अब आपको कंप्लीट हो गया आपका इस प्रॉपर्टी से कि आपका डुअल y1 3 4 3 by 4 y2 1 by 2 y3 y4 0 v1 v2 0, और W क्या होगा वही इधर से देख के लिखना है आपने, Z 21 है और प्रॉपर्टी ये है कि ऑप्टिमम वैल्यू जो प्राइमल की होगी वो सेम होगी डुअल की ऑप्टिमम से, या डुअल की ऑप्टिमम वैल्यू कहना ये चाहिए, डुअल की ऑप्टिमम वैल्यू सेम होगी प्राइमल की ऑप्टिमम वैल्यू, तो ये भी 21 है। तो आज हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है और उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास अगर है तो डुअल ऑप्टिमल आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉलो किया जी सर। लेकिन एक चीज और, एक और रूल यहां से हमें पता चल रहा है वो सीखना है, आपका ये जो प्राइमल ऑप्टिमल था ये फिजिबल है बताइएगा, ये फिजिबल है? यस सर। नेगेटिव साइन नहीं है किसी भी वैल्यू में, तो आप आप जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर, वो ऐसे बताना था कि फिजिबल ही है। अच्छा, तो आप जब मैंने पूछा ये फिजिबल है या नहीं, तो आपको ये भी कहा जा सकता था सर ये अगर ऑप्टिमल है तो फिजिबल होगा, तो ऑप्टिमल आया ना, पहले फिजिबल होता है बाद में ऑप्टिमल, उन फिजिबल में से ऑप्टिमल ढूंढते हैं। तो अब यहां से ये पता चला कि ये जो ऑप्टिमल है ये फिजिबल भी है और ऑप्टिमल भी है, और डुअल के बारे में क्या बताएं, ये फिजिबल है, वैल्यूज एक बताएं, तो डुअल भी फिजिबल है और ऑप्टिमल है। यहां से एक रूल याद कर ले, ये आगे काम आएगा, अगर प्राइमल प्रॉब्लम का कोई फिजिबल सॉल्यूशन हो और ऑप्टिमल भी हो, यानी ऐसा ऑप्टिमल, अगर उसका कोई सॉल्यूशन ऑप्टिमल है यानी फिजिबल तो होगा ही, अगर प्राइमल फिजिबल ऑप्टिमल हो तो डुअल भी फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमल भी होगा, ये रूल यहां से एक्सट्रैक्ट किया हमने, तो ये याद रहेगा। अब आपने, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में भी ये आपसे पूछना है कि अगर प्राइमल का कोई फिजिबल सॉल्यूशन है और वो ऑप्टिमल भी है तो डुअल के बारे में बताएं, आप कहोगे डुअल भी फिजिबल होगा और ऑप्टिमम होगा, नो डाउट? तो यस सर, नो डाउट सर। ये वेरिफिकेशन करके देख लें कि वो अगर ये इन दोनों में से कोई एक जीरो जरूर होगा, एक जीरो, तो ओवरऑल सबका सम भी जीरो ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये रूल मैंने जो भी आपको सिखाया, इफ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, आज इसी एग्जांपल में यही लिया हमने, फिजिबल सॉल्यूशन लिया और वो क्या था, ऑप्टिमम, देन ये हमने आज देखा है, देन करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम टू द डुअल, ये आज हमने देखा। और दूसरा एक और चीज देखी, विद द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी जो Z है वही W है। तो आपने ये चीज याद करनी है, अगर प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन हो और वो ऑप्टिमम हो तो करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल होगा और ऑप्टिमम भी होगा और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी सेम होगी। अब तो मेरे ख्याल में नहीं भूलेगा ये पॉइंट। नो सर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, वही प्राइमल लेते हैं, लेकिन अब मैं फिजिबल सॉल्यूशन तो लिया मैंने लेकिन ये ऑप्टिमम नहीं है,
यानी आप ये कह सकते हो कि मैंने सपोज कर लिया एक ऐसा सोल्यूशन लिया जो ऑप्टिमल नहीं है, वो प्राइमल का सोल्यूशन तो है, फिजिबल सोल्यूशन तो है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। आपसे क्वेश्चन है ऐसा सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं जो फिजिबल हो प्राइमल का लेकिन ऑप्टिमम ना हो, कैसे पता चल सकते हैं ये मैंने सोल्यूशन कैसे लिख लिया, मुझे कैसे पता चला ये इसका प्राइमल का सोल्यूशन है फिजिबल लेकिन ऑप्टिमम नहीं, कैसे पता चला बता सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं प्राइमल का कोई फिजिबल सोल्यूशन बताएं जो ऑप्टिमम ना हो, कैसे बताएंगे? यहां पे जी के साथ स्टेरिक नहीं लगा हुआ, जी के साथ साइन भी नहीं लगा हुआ, स्टार नहीं लगा हुआ, इट मींस ये इन ये ऑप्टिमल नहीं है ना, इसलिए स्टार हटा दिया, स्टार ऑप्टिमल के लिए था। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका एक फिजिबल सोल्यूशन, मैं आपसे कहता हूं मुझे बताएं जो इसका कोई फिजिबल सोल्यूशन बताएं वो ऑप्टिमम ना हो, तो मैंने तो इधर लिख लिया ये वाला है, मुझे कैसे पता चला ये एक सोल्यूशन है जो नॉन ऑप्टिमम है इस प्रॉब्लम के लिए, ये क्वेश्चन है सर। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट चेक करके पता चलेगा। एक तो ये इन्होंने बता दिया कि ग्राफिकल सॉल्व करें और 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ऑप्टिमम है, दूसरे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे लेकिन ऑप्टिमम नहीं होंगे। बिल्कुल वेरी गुड, आपका कॉर्नर पॉइंट कोई एक पिक कर लें ऑप्टिमल के अलावा, वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा लेकिन ऑप्टिमम नहीं होगा। या कॉर्नर पॉइंट्स के बाद शेडेड एरिया में से कोई सा पॉइंट ले लें, वो भी फिजिबल होगा और नॉन ऑप्टिमम, ठीक हो गया राइट? यस सर। लेकिन अगर 3 वेरिएबल होंगे फिर कैसे बताएंगे, वो तो ग्राफ से नहीं होगा सॉल्व। सर आइट्रेशन से? यस वेरी गुड, आपका गुड नेम? बिलाल। बिलाल, बिलाल हुसैन, बहुत जबरदस्त पॉइंट पे किया आपने। सिंपलेक्स मेथड से जब सॉल्व किया था रेडीमिक्स को तो आपको याद होगा स्टार्टिंग आइट्रेशन थी, सेकंड और थर्ड पे ही ऑप्टिमल हो गया था, तो थर्ड से जो थर्ड आइट्रेशन से सॉल्यूशन पे किया आपने वो ऑप्टिमल था, और ऑप्टिमल आइट्रेशन के अलावा जितने भी आइट्रेशन पीछे हैं वो उनमें जो सॉल्यूशंस हैं वो नॉन ऑप्टिमम है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। स्टार्टिंग आइट्रेशन में भी एक सॉल्यूशन था, जाहिर है ऑप्टिमम नहीं था, इसलिए तो आप एंटरिंग और लीविंग करके अगली आइट्रेशन में इंप्रूव किया। अगली आइट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी आपने देखा वो ऑप्टिमम नहीं है, मींस उसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। फिर आप थर्ड आइट्रेशन पे गए, थर्ड पे ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर आपने कहा हाँ ये ऑप्टिमल है। इट मीन सिंपलेक्स टेबल के अंदर ऑप्टिमल आइट्रेशन के अलावा जितनी भी दूसरी आइट्रेशन है वो आपके नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशंस है। तो 3 आइट्रेशंस थी रेडीमिक्स में, तो सिंपलेक्स टेबल से 2 नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन आप देख के लिख सकते हो। ग्राफ के जरिए तो कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए ये शेडेड रीजन के अंदर, लेकिन सिंपलेक्स टेबल के अंदर जो ऑप्टिमल लास्ट आइट्रेशन के अलावा दूसरी आइट्रेशन होंगी, तो ये जो सॉल्यूशन है ये मैंने सेकंड कंस्ट्रेंट से उठाया है। अब समझ आ गए? सेकेंड आइट्रेशन अगर आप किसी पास टेबल हो या आज देख ले, उसमें सी 0 से 20 हुआ था और X1 4 था, X2 0 था और ये वैल्यू थी स्लैक की, तो ये हमारा। तो अब मेरा अगला रूल में ये सीखने लगा हूं, अगर मेरा प्राइमल प्रॉब्लम है उसका मेरे पास एक फिजिबल सॉल्यूशन है जो नॉन ऑप्टिमम है, तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा, क्या अभी भी वो फिजिबल होगा और ऑप्टिमल होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अभी भी हमने क्या निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूअल, और कैसे निकालेंगे वही कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो गिवन क्या है, गिवन ये है आपके पास एक प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम है और उसका एक सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, और पूछा ये जा रहा है ये तो नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, तो इसका करेस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन क्या होगा, पहले वो कैलकुलेट करना है और फिर ये बताना है कि क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और क्या वो फिजिबल सॉल्यूशन है, ये हमने बताना है।
पता चल गया क्या करना है इसमें बताइएगा। यस सर। उस तरह कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से कॉल करता हूं। ये प्राइमल है, ये डुअल है, ये स्टैंडर्ड प्राइमल, स्टैंडर्ड डुअल। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ये गिवन है हमारे पास, कौन सा है? नॉन ऑप्टिमम टू द प्राइमल। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या कहेंगे? V1 क्या है? V1 जीरो। V2 क्या है? जीरो। सर विजिबल है। नॉन बेसिक नॉन जीरो बेसिक होगा। ठीक होगा। Y1 क्या है? बेसिक होगा सर। वन सर बेसिक। बेसिक नॉन जीरो। वाई टू क्या होगा? जीरो बेसिक। ये जीरो होगा, ये नॉन बेसिक होगा। वाई थ्री क्या होगा? नॉन बेसिक होगा सर। और वाई फोर नॉन बेसिक। अब हमने ये तो पता चल, जिन वैल्यूज का हमें पता चल गया ठीक है, उसको इस सिस्टम में पुट करेंगे तो रिमेनिंग भी पता चल गई। तो अभी हमें पता क्या चला? V1 0 मिल गया। ये हम इधर पुट करेंगे V1 0, Y3 भी जीरो है, Y2 भी जीरो है। तो यहां निकलेगा 6Y1 = 5 और V2 ये नॉन जीरो है। Y4 0, Y3 0, Y2 0। तो यहां से आएगा 4Y1 - V2। V2 जीरो नहीं है। 4Y1 - V2 = 4। ये दो आपके पास, यहां से Y1 सीधी निकल आई 5/6 और Y1 को इसमें पुट किया तो आपके पास V2 निकल आया -2/3। तो Y1 इधर से इसमें पुट किया तो V2। तो आप अब सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आपके पास Y1 आप इधर से लिखें, Y1 5/6, Y2 0, Y3 0, Y4 0, V1 0 और V2 क्या है? -2/3। अब मुझे बताएं, ये था नॉन ऑप्टिमम टू द ड्यूअल प्राइमल, लेकिन फिजिबल भी था और नॉन ऑप्टिमम टू द प्राइमल था। ड्यूअल क्या है? फिजिबल है तो ड्यूअल फिजिबल नहीं। ये देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू है सॉल्यूशन में, तो नेगेटिव वैल्यू वाला फिजिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका प्राइमल फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग ड्यूअल इनफिजिबल होगा। ऑप्टिमम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑप्टिमम के लिए पहले फिजिबल होना जरूरी है, तो ऑप्टिमम तो हो ही नहीं। तो यहां से मैंने क्या रूल लिया, अगर मेरा प्राइमल सॉल्यूशन फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमल है तो करस्पॉन्डिंग ड्यूअल क्या होगा? इनफिजिबल और नॉन ऑप्टिमम तो है। ऑब्जेक्टिव वैल्यू उसी तरह सेम होगी, जैसे ये 20 है तो ये भी 20 की होगी। जी क्या पूछना चाह रहे सर? यही पूछना था, ये जो आपने बता दी। अच्छा चले, अब आ जाते हैं, ये मैंने रूल्स आमने सामने लिख दिए। तो ये देखें, फिजिबल एंड नॉन ऑप्टिमम और ड्यूअल क्या है? इसकी वजह से इनफिजिबल। तो अब हमें रूल क्या पता चला, ये कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट भी कर सकते हैं। इफ फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉट ऑप्टिमम देन corresponding dual solution will be infeasible with the same value of objective function ZW. इधर star नहीं लगाया, it means ये optimal values नहीं। तो आज हमने दो rules सीखे हैं। पहला rule कोई बताएगा क्या सीखा था? अगर primal feasible है और primal solution optimum भी है
तो करेस्पॉन्डिंग ड्यूल क्या होगा सर? वो भी ऑप्टिमल और वो भी ऑप्टिमल और ड्यूल हो, वो फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। और सेकंड रूल क्या सीखा? अगर प्राइमल फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमम है तो ड्यूअल क्या होगा सर? नॉन फिजिबल होगा, इनफिजिबल। मेरे ख्याल में ये दो रूल सिखाने के लिए ये पूरा मैंने एक सिनेरियो बनाया जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस का भी एडवांटेज नजर आ गया और दो रूल्स नए सीख लिए आपने कि अगर प्राइमल फिजिबल है और ऑप्टिमम है तो ड्यूअल भी फिजिबल होगा और ऑप्टिमम भी होगा। प्राइमल फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमम तो ड्यूअल इनफिजिबल होगा और ऑब्जेक्टिव वैल्यू दोनों की सेम होगी। इसमें आपने एक और चीज सीख ली कि अगर आपके पास प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो ड्यूअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से ये सॉल्व किया जा सकता है। फॉलो किया पॉइंट? यस सर। तो आई होप